हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉलीवुड हिस्ट्री की 10 सबसे बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वो तो हम ही लड़कियों को लिफ्ट नहीं देते, बर्नर की कमी है दिल्ली में। हजार गर्ल्स यार, अफसोस तो इस बात का है कि उन हजार गर्ल्स में से अभी तक आपकी एक भी गर्ल से बातचीत नहीं हो पाई। यार जरा तो चुप करो यार, थोड़ा तो पढ़ने दो मुझे। 10वें नंबर पर हमने रखी है फिल्म चश्मे बद्दूर। ये कहानी है 3 रूममेट्स की, जिसमें से 2 रूममेट्स पड़ोस में रहने वाली लड़की को पटाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। लेकिन वो लड़की उनमें से तीसरे को पसंद करने लगती है। इसके बाद वो 2 रूममेट्स इन दोनों की प्रेम कहानी को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था साई प्रांजपे ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे फारूक शेख, दीप्ति नवल, सईद जाफरी, राकेश बेदी और रवि बासवानी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 8 मई 1981 को। आपको शौक भी लगता है? खैर, बातें सब लोगों से बाद में होगी, पहले नाश्ता हो जाए। प्लेट ले लो बेटी, आराम से बैठ के खाओ, पराठा कहीं भाग नहीं जाएगा। इतना सबर नहीं कर सकती आंटी जी, हाथ तो धो लेती, मुंह ही धुला हुआ है। 9वें नंबर पर हमने रखी है फिल्म खूबसूरत। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी माँ के लगाए हुए नियमों से बंधे होते हैं। फिर रेखा इस परिवार में आती है और फिल्म का असली मजा शुरू होता है। ये रेखा की बेस्ट फिल्मों में से एक है और उन्होंने इसमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन और दीना पाठक। ये फिल्म रिलीज हुई थी January 25, 1980 को। फिर बाजार में क्या बकवास कर रहा था? तूने मुझे कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया। और क्या नाम है तेरी बीवी का? मेरी बीवी का? मेरी शादी कब हुई? अच्छा, मेरी तो शादी हुई है ना, मेरी तो बीवी भी है, साली भी है। देखो बाबू, 8वें नंबर पर हमने रखी है फिल्म अंगूर। ये फिल्म शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर्स प्ले पर बेस्ड है। कहानी दो जुड़वा भाई अशोक और बहादुर के बारे में है जो जन्म के समय अलग हो जाते हैं और बाद में जब वे जवान होते हैं तो उनका आमना सामना एक दूसरे से होता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गुलजार ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, मौसमी चटर्जी और देवेन वर्मा। ये फिल्म रिलीज हुई थी 5 मार्च 1982 को। द्रौपदी को छूने से पहले मेरा सर फोड़ना होगा। मैं द्रौपदी को ले जा सकता हूँ। 7वें नंबर पर हमने रखी है फिल्म जाने भी दो यारों। ये कहानी है दो दोस्तों की जो अपना खुद का फोटो स्टूडियो शुरू करने का प्रयास करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार और हत्या के बीच फंस जाते हैं और कैसे वे दोनों दोषियों को सामने लाने के लिए लड़ते हैं, इसी पर आधारित ये पूरी फिल्म है। ये एक बेस्ट कॉमेडी फिल्म थी जिसमें कोई भी घटिया मजाक नहीं था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कुंदन शाह ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे नसरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, सतीश शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, सतीश कौशिक और नीना गुप्ता। ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 अगस्त 1983 को। मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बनके नहीं तुम बनके, और तुम बनके जो कहता हूँ वो समझती है। मैं कह रहा हूँ, कहता मैं ही हूँ लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम, क्या बकरी रहा, मैं लगा रखी है। 6ठे नंबर पर हमने रखी है फिल्म चुपके चुपके। इस फिल्म को धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की कॉमिक केमिस्ट्री के लिए याद किया जाता है जो शोले के ठीक बाद आई थी। इस फिल्म की कहानी बहुत मजेदार है जिसमें एक पति अपनी पत्नी के जीजा जी के साथ प्रैंक करता है। सिचुएशनल कॉमेडी के दिग्गज ऋषिकेश मुखर्जी की बेस्ट फिल्मों में से ये एक फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। ये फिल्म रिलीज हुई थी 11 अप्रैल 1975 को। 5वें नंबर पर हमने रखी है फिल्म पड़ोसन। पड़ोसन एक साधारण सी कहानी है जिसे शानदार ढंग से पेश किया गया है। यह एक बेस्ट ऑल टाइम कॉमेडी फिल्मों में से एक फिल्म है। किशोर कुमार और महमूद की कॉमिक टाइमिंग्स देखने लायक है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ज्योति स्वरूप ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त, सायरा बानू, महमूद, किशोर कुमार।
ये फिल्म रिलीज हुई थी 29 नवंबर 1968 को। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा मैं अंतर्यामी हूँ, ज्ञानी हूँ। अरे भाई साहब, आपने भी शक्तिमान बुद्धिमान हूँ, बल्कि मैं तो पुरुष ही नहीं हूँ। चौथे नंबर पर हमने रखी है फिल्म अंदाज अपना अपना। फिल्म अंदाज अपना अपना को बनाने में 3 साल का समय लगा था, जो कि एक बहुत लंबा समय होता है। इस फिल्म में ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ फेमस हुए बल्कि लोगों की बोलचाल में भी इनका शुमार हुआ और ये लोक भाषा का हिस्सा बन गए। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने वाले स्टार्स शूटिंग के दौरान एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे? जी हाँ, एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बताया कि फिल्म अंदाज अपना अपना की शूटिंग के दौरान न सिर्फ आमिर और सलमान के बीच लड़ाई चल रही थी बल्कि खुद करिश्मा और रवीना भी आपस में बात नहीं करती थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और परेश रावल। ये फिल्म रिलीज हुई थी 4 नवंबर 1994 को। तीसरे नंबर पर हमने रखी है फिल्म हेरा फेरी। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कॉमेडी फिल्म है हेरा फेरी, जिसको 21 साल पूरे हो गए हैं। हेरा फेरी 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी और तब्बू। ये फिल्म रिलीज हुई थी 31 मार्च 2000 को। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तेरे बोलने का क्या मतलब है? अपुन की सदा के लिए? डोंट वरी, ये दवाई ले लेना, ओके? एक मिनट, देख। दूसरे नंबर पर हमने मुन्ना भाई सीरीज की दोनों फिल्में रखी हैं, जिसमें पहली फिल्म है मुन्ना भाई MBBS और दूसरी फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई आज के समय के सबसे फेमस फिल्मी कैरेक्टर्स में से एक है। इस हिट सीरीज की पहली फिल्म एक अंडरवर्ल्ड डॉन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक मेडिकल कॉलेज में तूफान ले आता है। दूसरी फिल्म गांधीगिरी और आज के समाज के लिए इसकी जरूरत के बारे में थी। फैंस आज भी इस फिल्म के तीसरे सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और इन दोनों फिल्मों में मुख्य कलाकार थे संजय दत्त, अरशद वारसी और बोमन ईरानी। इसे आपने देखा, वो राम प्रसाद नहीं था, वो था लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा, मेरा जुड़वा भाई। क्या? ये हाँ। पहले नंबर पर हमने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल को रखा है। बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल आज भी हमें खूब हंसाती है। यह बात कुछ ही लोगों को पता है कि इस फिल्म की शूटिंग निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने ही बंगले पर की थी, जहां इसकी शूटिंग 40 दिनों तक चली। फिल्म में अमोल पालेकर और उत्पल दत्त के बीच की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अमोल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, देवेन और शुभा खोटे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 20 अप्रैल 1979 को।